नवरात्र के आठवें दिन महाअष्टमी पालित किया जाता है। आठवें दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी का अर्थ होता है सौंदर्य से भरपूर रूप, जो प्रकाशमान है। माता का ये रूप अत्यंत सुंदर, शांत और करुणामय है, जो सभी भक्तों को निरंतर आशीर्वाद देती हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है, तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का डमरू। महागौरी का सांसारिक रूप बेहद श्वेत और उज्ज्वल है। श्वेत रंग, श्वेत वस्त्रों, चार हाथों वाली माँ सफेद वृषभ यानी सफेद बैल पर सवारी कर महिला शक्ति दर्शाती हैं। इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। देवी महागौरी को गायन और संगीत का बहुत शौक है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की उपासना से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी के स्वरूप को प्रसाद में नारियल, हलवा, पूड़ी, सब्जी का भोग लगाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से काले चने का प्रसाद अवश्य दिया जाता है। महागौरी की पूजा अर्चना बेहद कल्याणकारी है। माता की कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तप किया और जिस कारण उनका शरीर काला पड़ गया। घोर तप से खुश होकर भगवान शिव शंकर ने उनके शरीर को पवित्र गंगा जल से धोकर कांतिमय कर दिया, जिससे देवी का वर्ण गौर यानी श्वेत हो गया। इसी कारण वो महागौरी कहलाई। महागौरी की पूजा में इस मंत्र का अवश्य जाप करें।